आज का जो टॉपिक है दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स यूनिट 11. ओके, अब आपने पढ़ा हुआ है थर्ड चैप्टर में प्योरिसिटी में कि पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स आते हैं. 6 ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 and 18. जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2 NP1 to 6, राइट. जो हमने पढ़ना है इस साल दैट इज ओनली 2 ग्रुप्स, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14. तो हम उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. व्हेन वी आर गोइंग टू ग्रुप 13, तो ग्रुप 13 के जो मेंबर्स हैं दैट इज बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेरियम, राइट. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस ग्रुप इज NS2 NP1. जब हम ग्रुप 14 पढ़ते हैं तो ग्रुप 14 में हमारे पास कार्बन से शुरू होता है, कार्बन फैमिली से हम बुलाते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बी NS2 NP2. सो बिफोर गोइंग ऑन टू द ग्रुप्स देयर आर अ फ्यू थिंग्स व्हिच यू शुड नो, जो कि हम पढ़ेंगे अंडर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक. सो पॉइंट वाइज लिखते हैं हम इसको. नंबर 1, दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NS2 NP1 टू 6. नंबर 2, दे कंसिस्ट ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स and gases. ठीक है, mostly but they exist as gases. कुछ जो है वो solids की तरह भी exist करते हैं, कुछ liquids की तरह भी exist करते हैं. solids जैसे for example carbon exists as a solid. ठीक है, but mostly जो है वो gases की तरह ही exist करेंगे. then number 3, they consist of all categories of metals, non-metals and metalloids. The non-metallic character, increases along a period. Non-metallic character increases along a period, fluorine being the most electronegative, and non-metallic character decreases along a group. तो जो last members होंगे, जैसे आप यहाँ पे ही कर रहे हो, तो यहाँ पे thallium that is going to be metal. यहाँ पे टिन एंड लेड दे आर गोइंग टू बी मेटल. बोरोन किसी किसी बुक्स में मेटलॉइड दिया हुआ है, किसी किसी बुक्स में नॉन मेटल की तरह भी दिया हुआ है. कार्बन, सिलिकॉन एंड कार्बन एंड सिलिकॉन दे आर नॉन मेटल्स. यूरेनियम जो है, जर्मेनियम जो है दैट इज गोइंग टू बी अ मेटलॉइड. उसी तरह से यहाँ पे गैलियम भी मेटल है. एल्यूमिनियम बिहेव्स एज अ मेटलॉइड. ठीक है, सो इसमें सारे के सारे हैं कि एज वी विल कीप ऑन गोइंग अ लॉन्गर पीरियड, तो कार्बन जो है वो बोरोन से ज्यादा नॉन मेटालिक होगा. उसी तरह से थैलियम इज गोइंग टू बी मेटालिक. जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा. अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो मेटालिक कैरेक्टर को क्या होना चाहिए, इट शुड इंक्रीज. सो देयरफॉर थैलियम दैट इज गोइंग टू बी अ मेटल. ठीक है, देन नंबर 4, ऑक्सीडेशन स्टेट
specifically जब हम oxidation states इन दो की कर रहे हैं, तो ये वाला जो group है, ये show करता है oxidation state of plus 3, ठीक है? हमने third वाले chapter में पढ़ा था कि oxidation state increase करती रहती है to the center और फिर उसके बाद decrease करती रहती है, यही पढ़ा था, oxidation state of noble gases is going to be equal to 0, ठीक है? इसकी plus 3 है, इसकी 4 है, पर जैसे जैसे हम down the group जाते हैं, अब देखो general electronic configuration इसकी NS2NP1, इसकी NS2NP2, so ये plus 3 by losing all 3 electrons, ये plus 4 by losing all 4 electrons, okay? जब हम down the group जाएंगे, जैसे हमारे पास ये आ गया, tin, तो tin के पास दो oxidation states आ गई, SN2 and SN4 positive, उसी तरह से PB के पास भी, PB2 positive and PB4 positive, ठीक है? तो हम बोलते हैं कि when we go down the group, the lower oxidation state, becomes more stable. Lower oxidation state becomes more stable due to inert pair effect. ये वाला जो word है हम बहुत बारी use करेंगे इस chapter में. क्या होता है inert pair effect? लिखो. Inert pair effect is the reluctance of s electrons to participate in bonding. Reluctance of s electrons to participate in bonding. ठीक है? So यहाँ पे देखो, s electron participate नहीं करेगा bonding में. तो oxidation state plus 2 ही होएगी ना फिर, ये तो participate नहीं कर रहा है, तो lower जब हम जाते हैं, जब हम इन दोनों को compare करेंगे, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे PB2 is more stable than PB4, और यहाँ पे SN4 is more stable than SN2, clear हो गया? This is due to inert pair effect. अब जब oxidation states करते हैं, because हम लोगों ने यहाँ पे metallic character भी किया है, non-metallic character भी किया है, तो हमने पढ़ा था कि जो oxides होते हैं, metals के oxides क्या होते हैं? Basic के acidic. The oxides of metals are basic. The oxides of non-metals are acidic. And the oxides of metalloids are amphoteric in nature. Okay? जैसे for example, अगर हम carbon dioxide ले रहे हैं, तो carbon dioxide non-metal है. Non-metal का जो oxide होगा, that is going to be acidic. उसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन का ऑक्साइड लेते हैं, that is going to be acidic, ठीक है? पर अगर हम लोग कोई भी मेटल ले ले, जैसे इसी में से हम मेटल ले रहे हैं, हम PbO ले लेते हैं, तो लेड इज अ मेटल ओवर हियर, तो लेड का जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा? बेसिक, ठीक है? और एल्यूमिनियम जो है वो मेटलॉइड है, सो इसके जो ऑक्साइड होंगे दैट इज गोइंग टू बी एम्फोटेरिक इन नेचर. क्या होते हैं एम्फोटेरिक? जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करते हैं, वो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करेंगे और वो बेसिस के साथ भी रिएक्ट करेंगे. ओके, सो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है. देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप. ये सेम रीजंस हमने देने हैं, डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप. ओके,
A first element, reasons humko pata hai. Number one, small size. Number two, high ionization energy. Number three, high. अब in this case, metallic character के जगह हम दूसरा वो use करेंगे, that is electronegativity, right? P block में क्योंकि electronegativity की बड़ी ज़्यादा importance है. So यहाँ पे the third reason is high electronegativity. And fourth is absence of empty d orbitals. Absence of empty d orbitals. ठीक है? अब इन चार की वजह से let's see कि कैसे first member of each group is different. So points में हम लिखते हैं. Number one, the first member of each group belonging to second period elements have only second member. क्या लिखा है तुमने? दोबारा से लिखो. First member of each group belonging to क्या लिखा था? Second period have only three valence. Sorry, has only four valence orbitals. मतलब कि जब हम लोग फर्स्ट मेंबर कर रहे हैं, जैसे हम बोरोन कर रहे हैं, तो बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हीलियम 2s2 2p1, ठीक है? और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हीलियम 2s2 2p2, राइट? अब इसके पास एक ऑर्बिटल इसका हो गया, तीन ऑर्बिटल्स इसके हो गए, टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? चार. उसी तरह से इसके पास एक ऑर्बिटल इसका हो गया और तीन ऑर्बिटल्स इसके हो गए, चार, राइट? तो जब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो वो इस तरह से होगी कि ये कोवलेंसी शो करेगी तीन की, क्योंकि इसके पास तो तीन ही इलेक्ट्रॉन्स है, और जो कार्बन है वो कोवलेंसी शो करता है फोर की. फोर से आगे एक्सटेंडेड कोवलेंसी फर्स्ट मेंबर नहीं शो कर सकता, क्योंकि उसके पास आगे खाली ऑर्बिटल्स ही नहीं है. जब इसकी हम बोरोन की एक्साइटेड स्टेट करते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में एस के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन एस से एक्साइट होके पी में चला गया, राइट? और वेयर एज इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एस में रह गया और एक इलेक्ट्रॉन पी में चला गया. आपको मैंने बताया था कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्डिंग यूनि के साथ कर सकते हैं, पेयर्ड के साथ हम नहीं कर सकते. इसके पास तीन अनपेयर्ड है. अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन देना भी चाहे तो वो इस एम्प्टी ऑर्बिटल में देगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है ना, क्योंकि इसके पास एक ही रूम खाली है, ठीक है? अब अगर वो और देना चाहे तो नहीं दे सकता, बिकॉज उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है ही नहीं. So due to absence of empty d orbitals, this can only show covalence up to 4. समझ में आ गया? तो बोरोन का जो फैमिली है वो सिर्फ BF4 नेगेटिव बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं बना सकता. उसी तरह से कार्बन जो है वो बना सकता है क्या? CX4. बट सिलिकॉन के पास अब एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है. कार्बन से नेक्स्ट सिलिकॉन आया ना, सिलिकॉन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है, तो सिलिकॉन बना सकता है एक्सटेंडेड ऑक्टेट.
12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास आउटरमोस्ट में, और हमने पढ़ा इसको हम क्या बुलाते हैं, एक्सटेंडेड ऑक्टेट। तीन होती है ना, एक होती है डेफिशिएंट ऑक्टेट जिसके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि BF3 बनाएगा, ठीक। एक होती है एक्सेस ऑक्टेट जो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट में, या मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, तो वो हो गए क्या एक्सेस। और एक होता है सफिशिएंट ऑक्टेट जिसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन जो है वो सफिशिएंट ऑक्टेट बना रहा है, बोरोन जो है वो ना बोरोन डेफिशिएंट बना रहा है, और सिलिकॉन जो है वो एक्सटेंडेड बना रहा है। क्यों बना रहा है सिलिकॉन एक्सटेंडेड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी रिएक्टिविटी, लिखो इसमें ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड दे आर मोर रिएक्टिव than those of elements of second period due to presence of vacant d orbitals. Third property, tendency to form multiple bonding. Multiple bonding का मतलब क्या हुआ? Double और triple bonds, ठीक है? So लिखो इसमें, because of combined effect of smaller size and availability of d orbitals, the first member of each group shows tendency to form p-pi bonding, p-pi bonding, whereas the other members of the group do not have this tendency, right? क्या मतलब इसका हुआ कि जैसे for example कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2, 2s2, 2p2, okay? उसी तरह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2, 2s2, 2p4, ठीक है। अब होगा क्या, यहां पे p के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, इधर भी p के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये सब हमने केमिकल बॉन्डिंग में करा हुआ है, यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन होगी और यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन होगी, राइट। ड्यू टू दिस व्हाट विल हैपन, क्योंकि यहां पे भी इलेक्ट्रॉन p में है और यहां पे भी p में है, तो जो ऑर्बिटल्स होंगे वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स रह जाएंगे वो पाई बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि ना तो इसके पास डी है ना इसके पास डी है। तो इन दिस केस जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हमें पता है कि जब भी सिंगल और डबल सिंगल बॉन्ड होता है और उसके साथ एक और या डबल बॉन्ड होता है
तो उसमें एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है, उसी तरह से यहां पे भी एक पाई और एक सिग्मा. सो ये बना रहा है पी पाई बॉन्डिंग बुलाते हैं इसको, व्हिच इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. उसी तरह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p3, ठीक है. सो नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ बना सकता है डबल बॉन्ड, क्योंकि इसमें और इसमें भी सिर्फ p है, d है ही नहीं, तो ये भी p पाई बॉन्डिंग बनाएगा. व्हेयरएज रेस्ट ऑफ देम, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन d में एंटर करेगा, सो वहां पे p पाई d पाई बॉन्डिंग होगी, व्हिच इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग. इज इट क्लियर? सो दैट इज द रीजन व्हाई एब्सेंस ऑफ वैलेंस d ऑर्बिटल्स यहां पे एक्सप्लेन करता है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग सिस्टम्स. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, सो नाउ वी गो ऑन टू द फर्स्ट ग्रुप, दैट इज ग्रुप 13 एलिमेंट्स, व्हिच इज नोन एज द बोरोन फैमिली. By mass, कहाँ पे? Earth's crust पे. Boron has two isotopes, B10 and B11. क्या होते हैं isotopes? Having the same atomic number but different mass number. ठीक है? Boron जो है वो exist करता है in the form of following ores. कौन-कौन सी? First is borax, borax powder suna hua hai na, with the formula Na2B4O7, .NH2. ये multiple choice questions में आ सकता है, ठीक है? Borax, फिर उसके बाद carnite, it has the same molecular formula, से water of crystallization 2 हो जाएगी इसमें. So it has the formula Na2B4O7 dot 2H2O. ठीक है? And orthoboric acid. Orthoboric acid having the formula H3BO3. H3BO3, right? Aluminium जो है group 13 का सबसे abundant metal है. Aluminium is the most abundant metal of group 13 and the third most abundant element in the earth's crust. Third most abundant element in the earth's crust. ठीक है? Aluminium exist करेगा जो उसकी सबसे popular ore है bauxite, having the formula Al2O3 dot
2H2O. बॉक्साइट, फिर उसके बाद है क्रायोलाइट, Na3, AlF6, क्रायोलाइट, ठीक है? बस इतनी याद रखो तुम और एक है कोरंडम, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोरंडम बॉक्साइट से अगर हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटा दें तो वो कोरंडम बन जाती है। ओके, जनरल एक कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं कोरंडम, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। First is electronic configuration. Electronic configuration कर सकते हैं सबकी? करो फिर बोलो और क्योंकि इसी में सारा फिर आगे हमारा depend करता है. Helium is sorry boron is helium. 2s2 2p1, ठीक है, बोरोन के बाद आ गया एल्यूमिनियम, नियॉन 3s2, थ्री पी वन, गैलियम, आर्गन। अब यहां पे 3d10 भरेंगे पहले हम, 3d10, 4s2 4p1, ठीक है। अब यहां पे जो 3d10 हम भर रहे हैं, हम आगे देखेंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक है जो इसकी एटॉमिक साइज को और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करेगा। क्या पूछ रहे हो शादी? पूछ हम ये क्यों आया पहले 3d10? इसलिए क्योंकि गैलियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज हाउ मच, 31 है इसका एटॉमिक नंबर, तो 31 भरो जरा। आर्गन में हो गए 18, ठीक है, प्लस 10 प्लस 3 31 मैम 4s पहले, ओ हाँ लिख सकते हो आप 4s2 3d10। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें हमने 3d10 भी भरने, इस तरह से भी आप लिखोगे पहले 4s2 ही भरेगा अकॉर्डिंग टू ऑफ पॉवर प्रिंसिपल। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम रैंडम भी लिख देते हैं, ठीक है। जब उसका एनर्जी लेवल डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तब हम 4s को पहले लिखेंगे। क्लियर हो गया? ओके, फिर गैलियम के बाद नेक्स्ट कौन सा है? इंडियम। इंडियम की क्या आ जाएगी? क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p1, ठीक है। और लास्ट इज थेलियम, थेलियम की क्या आएगी? 5d10 6s2 6p1। ये आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन सेकेंड इज एटॉमिक रेडियस, एटमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटमिक एंड आयनिक रेडियाई दो चीजें हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट द एटमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 2 इज स्मॉलर देन ग्रुप 13, वेर एज क्या होना चाहिए? जब हम लॉन्ग पीरियड जाते हैं तो एटमिक साइज कम हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ऐसे होना चाहिए। पर यहां पे हम बोल रहे हैं
the atomic size of group 2, that is, ठीक है, पक्का, reason दे सकते हो कुछ इसका? कुछ भी नहीं, अगर हम कुछ reason नहीं दे सकते, तो इसका मतलब जो group 2 है, उसका atomic radius is larger than group 13. अब इसका reason लिखो. शायद तो same है. Effective nuclear charge जो है वो increase हो जाएगा. अगर आप beryllium ले रहे हो, beryllium की electronic configuration क्या है? Helium 2s2. और boron ले रहे हैं तो boron की क्या है? Helium 2s2 2p1. पर जब हम ग्रुप 2 से ग्रुप 13 में जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज को क्या होगा डिक्रीज ठीक है सो लिखो द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स इज स्मॉलर as compared to group 2. This is due to increase in nuclear charge as we move from group 2 to 13. In the same period group 2 to 13 in the same period right jab hum down to group chalenge so size down to group thoda sa anomalous behavior show karta hai otherwise agar hum down to group define kare to seedha kya hona chahiye down to group it should increase because of introduction of a new principal shell theek hai तो उसके अकॉर्डिंगली साइज होना चाहिए बोरोन का सबसे छोटा उसके बाद एल्युमिनियम उसके बाद गैलियम उसके बाद इंडियम उसके बाद हेलियम पर यहां पे एक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि एल्युमिनियम का जो साइज है वो गैलियम से बड़ा होता है ये एक रीजनिंग क्वेश्चन हमको आता है ठीक है सो राइट डाउन The observed atomic radius of aluminium is 143 picometers, whereas that of gallium is 135 picometers. This is due to the electronic configuration of gallium. अब समझो पहले क्या हो रहा है यहाँ पे? Aluminium की electronic configuration is neon 3s2 3p1. ठीक है? Gallium पे हमने 3d भी भर दिया, right? अब 3d जो है इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है या शील्डिंग इफेक्ट कम होता है पता है ना हमको हमने पढ़ा हुआ है शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो आउटरमोस्ट शेल पे कितना पड़ रहा है उसको हम लोग क्या बुलाएंगे इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द आउटरमोस्ट राइट जो ऑर्बिटल्स है वो उस न्यूक्लियर चार्ज को बाहर तक कितना पहुंचने देते हैं वो उसका शील्डिंग इफेक्ट है जब हम एसपीडीएफ करते हैं तो डी का जो शील्डिंग इफेक्ट है दैट इज पुअर अगर डी का शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो ये न्यूक्लियर चार्ज को 4 तक नहीं पहुंचने देगा सॉरी ये जो है न्यूक्लियर चार्ज को 4 तक इजीली पहुंचने देगा क्योंकि ये शील्ड नहीं कर पा रहा
ठीक है अब अगर ये शील्ड नहीं कर पा रहा है तो न्यूक्लियस 4s और 4p को अपनी तरफ को ज्यादा खींचता है क्योंकि वो ज्यादा खींचता है तो उसका एटॉमिक रेडियस को क्या हो गया वो कम हो गया हैव यू अंडरस्टूड तो लिखो इसमें आगे दिस इज बिकॉज ऑफ This is because of the filling up of electrons. Filling up of electrons in the inner d orbitals. Inner d orbitals in case of gallium. In case of gallium, as a result of poor shielding effect, as a result of poor shielding effect of d group ya d orbit bol do ya orbital bol do d orbital the nucleus does not pull the outermost shell pulls the outermost shell more effectively this increases the effective nuclear charge this increases the effective nuclear charge in gallium thereby reducing its size ye bahut important question hai thereby reducing its size ठीक है तो second जो property है ionization energy क्या होती है ionization energy required to remove the electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू राइट दिस राइट अब आयनाइजेशन एनर्जी सेम हम ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के बीच में करेंगे क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है लॉन्ग पीरियड तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए ना क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओके बट यहां पे क्या होगा कि यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 इज ग्रेटर देन ग्रुप 13 आयनाइजेशन एनर्जी उल्टा होना चाहिए ग्रुप 13 की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसकी साइज छोटा है ठीक है पर यहां पे ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एनर्जी जो है दैट इज गोइंग टू बी मोर व्हाई एक्सप्लेन हम इसको कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम ग्रुप 2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इट इज NS2 ओनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ ग्रुप 2 इज NS2 ठीक है इसकी NS2 NP1 राइट यहां पे फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और हमने पढ़ा था कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज हाई होनी चाहिए ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी ऑफ द फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ ग्रुप 2 इट हैज मोर आयनाइजेशन एनर्जी ठीक है और डाउन द ग्रुप क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी शुड डिक्रीज राइट सो अब देखो यहां पे भी एक और प्रॉब्लम हमको फेस करने पड़ेगी जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे होनी चाहिए इट शुड डिक्रीज बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड गैलियम यही होना चाहिए ना ट्रेंड पर हमने बोला कि गैलियम का साइज छोटा आ रहा है
सो अब आयनाइजेशन एनर्जीज में भी डिफरेंस आ जाएगा राइट सो लिखो इसमें और मूविंग डाउन द ग्रुप देयर इज अ शार्प डिक्रीज There is a sharp decrease in ionization energy from boron to aluminium. Sharp decrease in ionization energy from boron to aluminium. And then, first ionization enthalpy of gallium is higher. So, अब यहाँ पे साइन क्या होना चाहिए? एनर्जी ऑफ गैलियम इज हायर ठीक है देन आयनाइजेशन एनर्जी अगेन डिक्रीजेस टिल थैलियम तो डिक्रीज हो रही है ना ये रीजन हम इसका क्या देंगे That is because of small size of gallium due to poor shielding effect of d electrons. ठीक है? We've understood till here? Okay.